तो क्योंकि सभी लोग जो है ना वो जा रहे हैं, वो काफी रश है। ये सारा और सोई बाजार है, बड़ी हो रहा था उसको। वेलकम बैक टू एसएफ व्लॉग्स एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक। आज अभी जो है ना वो जुमा पढ़ के अभी फ्री हुए ही हैं। ये इस पास में मस्जिद है माशाल्लाह। जब जुमा पढ़ा है सभी लोग जो है ना वो जा रहे हैं, तो यहाँ पे सभी वो काफी रश है। अभी मैंने जाना है क्योंकि बाजार जाना है, कुछ चीजें लेनी है अपनी ग्रोसरी की, वो खत्म हो गई है ना, महीना पूरा खत्म हो चुका है, तो अब न्यू मंथ की न्यू ग्रोसरी लेनी पड़ती है, अभी वो लेनी है। ये साथ में माशाल्लाह काफी लोग जो है ना जुम्मा पढ़ते हैं। ये भी पढ़ने आया है देखो मेरे साथ। खैर लेकिन अभी चलते हैं बाजार में, वहां से लेनी है बस, वहां से बस पकड़ते वहां पे साथ ही है औरतों सोई बाजार। तो आज आपको वो भी दिखाते हैं औरतों सोई बाजार कैसा है इधर का। वो स्टॉप है लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग देखनी पड़नी है, किधर किधर है किधर है, वो उधर से जाना पड़ना मेरा ख्याल ना। चल आजा इधर से चलते हैं, आजा बैंक जाना है। बैंक किधर जाना है फारूक? दबीर बैंक। तो अभी जुम्मा पढ़ के क्योंकि फ्री हुआ हूँ तो ये भी आए थे ना मेरे साथ ही, तो ये आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन हमने जाना है बाजार, इन्होंने जाना है बैंक। वैसे हमने भी जाना है बैंक में क्योंकि डॉलर एक्सचेंज कराने जाना है। चलो पहले बैंक चल लेते हैं। बैंक चलते, बैंक इधर पास है। आज क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, वो है सूरज निकला हुआ, वो देखो सामने पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। ये देखो बहुत ही प्यारा सीन है, इस रोड से तो बहुत ही प्यारा सीन नजर आता है, जब पहाड़ आते हैं ना सामने नजर तो बहुत ज्यादा अच्छा सीन नजर आता है। लेकिन खैर इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत जाम होती है क्योंकि सभी जुमा पढ़ के निकल रहे थे ना, तो वहाँ पे सभी ट्रैफिक जाम है काफी, बहुत ज्यादा लोग जुमा पढ़ते हैं। लेकिन अभी चलते हैं वहाँ पे और तो सही बाजार में, आपको दिखाते हैं ग्रोसरी कैसे कैसे इधर से मिलती है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी चीजें लेनी है तो वो आज आपको दिखाते हैं। ये सारा औरतों सोई बाजार है इधर सभी ना, लेफ्ट साइड पे इसके जो है ना वो सारी हार्डवेयर की शॉप्स वगैरह आ जाती हैं। ये काफी बड़ा बाजार है और ये जो काफी खुला सा है और अच्छा है, एज कम्पेयर टू अगर रोश बाजार देखें या आलमदीन देखें ना, तो वो भी अच्छा बाजार है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये इस एरिया में है, यहाँ पे कुछ ऐसे होता है कि जब भी कोई भी एक कम्युनिटी है ना बनती है पूरी एरिया में, कोई छोटे छोटे से टाउन बने हुए हैं इस शहर में, तो उस कम्युनिटी में सब भी ना एक बहुत बड़ा बाजार आता है। ऐसी एक बाजार जो हमारी इधर इस वाली कम्युनिटी में आता है वो ये वाला बाजार आता है सारा औरतों सोई बाजार। तो वो जितने भी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह जितने भी हमें चीजें की जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये एज कम्पेयर टू आप अगर देखते हैं ना कि मतलब हम किसी मॉल से जाके चीजें लेते हैं, उनसे सस्ती मिलती है और अच्छी भी मिलती है, ये बात नहीं की अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे सभी चीजें ऐसे होल सेल पे मिल जाती है। तो इसके पीछे वो सभी बाजार, ये जैसे ये है, ये उसकी गली है, ये सारी। तो हमने क्योंकि जाना है उधर शॉपिंग ग्रोसरी की करनी है, आटा लेना है, चावल लेने हैं, ऐसी चीजें लेनी है, गोश्त लेना, तो हमें जाना पड़ेगा उस साइड पे। इस साइड पे आ जाता है शॉपिंग की, मतलब कपड़े और हार्डवेयर की सारी इस साइड पे आ जाती है मार्केट, लेकिन हमने जाना उस साइड पे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा उधर सीधा, इसलिए चलते चलते जा रहे हैं। ये शहर ले आ दिया 350 किर्गिस्तान की एक बात, यहाँ का शहर बहुत मशहूर है, प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होती। किस तो बात है शायद इस कंट्री काफी जगह पे शायद लगे होते हैं खालिस लगे होते हैं, पाकिस्तान में मिलता नहीं इतना जगह, वैसे ऐसे जैसे यहाँ पे खालिस मिलता है, लगे होते हैं रोड पे, बहुत जबरदस्त शहर। ये भी चेक कर रहा है सुल्तान है, क्या क्या चीजें हैं शहर में, कौन कौन सी है, क्रिकेट खेल के स्पोर्ट्स है, ये 300 सोन की कह रही है एक बोतल ये वाली। आई थिंक ये ज्यादा सही है ये वाला। हाँ अभी ना जैसे हम लेते हैं ना किन्नू फ्रूटर, क्योंकि सर्दियाँ खाने का मजा, यहाँ पे किन्नू ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, जैसे ये बड़े हुए ये ऐसे मिलते हैं, वहाँ पाकिस्तान में तो बड़े बड़े होते हैं काफी, तो यहाँ पे वो छोटे से। खैर अब दूसरा ले लें ग्रोसरी, वो आगे सभी दोस्त जा रहे हैं वो, और ये मैंने ले लिए माल्टे, माल्टे क्या कहते हैं किन्नू ले लिए, तो ये अब खाएंगे जा, क्योंकि आज धूप निकली है तो धूप में खाने का वैसे ही मजा आता है। किन्नू सुबह का क्योंकि खाना नहीं खाया हुआ ना किसी, जा रहे हैं जुम्मे के बाद नाश्ता करने शॉप पे, भी बारबेक्यू खाएंगे, इनका नाश्ता काफी फेमस है और काफी अच्छा होता है, टेस्टी होता है।
यार साहब अभी चाय आई है, ये चाय आई है, अभी दूसरे खाने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर ग्रोसरी लेंगे। मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि पहले ले लेकिन अब वो एंड पे जाई जा रहा है। सुबह का नाश्ता नहीं किया था तो ये काम भी तो करना जरूरी था ना, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। साथ ना सिराज है, ये भी मेरा फ्लैटमेट जुनेद है, ये फरूख है साथ, ये साथ में उस्मान। मानती आ गई है, इसको कहते हैं मानती है, इनकी लोकल डिश है, लोकल मतलब अब इनकी नेशनल भी डिश है ये वाली, उतनी बड़ी मजे की है। नाश्ता अब हमने काट लिया, बहुत टेस्टी था, अब हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं। ये बाजार के अंदर रेस्टोरेंट है, काफी फेमस से हैं इधर, और इनका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है और फूड भी काफी क्वालिटी का होता है। तो ये सब्जी की देखो शॉप्स आ गई ना, हमने जाना वो वहाँ पे आगे, ये पकड़ी जरा, हमने जाना इधर से वहाँ पे आगे करके, वहाँ पे जाके ना वहाँ पे आएगी अनाज की शॉप, वहाँ पे सारा अनाज मिलता है। ये जरा दूसरी कॉस्मेटिक्स वगैरह की आ जाती है ना, ये लड़कियों को इधर हमारा कोई काम नहीं, हमने जाना वो आगे, अब आगे जाते हैं। बाकी सभी बाजारों से ना मुझे ये वाला बाजार कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये ज़्यादा कंजस्टेड सा नहीं है और ज़्यादा यहाँ पे ना लोगों का हजूम नहीं है। दूसरे जो बाजार हमारा बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, लेकिन यहाँ पे इतना रश नहीं रहता है। वो आगे जाना, आगे जाना, यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे फिर वो दूसरी शॉप आ जाती है प्लास्टिक्स वगैरह की, जो भी चीज़ें मिलती हैं घर में यूज़ होने वाली। क्या मैं हुडी यहाँ से है ना, चलो भी चलो 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 चलो, अब इनको पसंद आ गई है जी, अब हुडी लेनी है, इन्होंने है नहीं लेकिन खैर आ तो गए हैं। बाहर से कुछ लिया नहीं है, लेकिन अब वो मटन ले ले, गोश्त यहाँ लगा हुआ, ये फ्रेश गोश्त, अब यहाँ से लेना है मटन, ये लगा हुआ बड़ा गोश्त साथ, वो छोटा गोश्त है, वो हमने लेना है, वो मटन है। यहाँ पे भी मटन की शॉप ऐसी होती है, वरना मार्केट होती है, वैसे जो है ना पीस ही मिलता है सभी फ्रेश जो है ना, वो सुबह सुबह ले जाते हैं। ये ऐसा ड्राई फ्रूट्स की शॉप वैसी है जैसे पाकिस्तान में, सेम जैसे वहाँ उन्होंने सेटअप किया था ना, यहाँ ये ऐसी है, बड़े बड़े बाजार में। खैर वहाँ से हमें जो मटन तो मिला नहीं है, उसका कुछ इतना फ्रेश नहीं था लगा, अब हम आगे जाते हैं, आगे आगे से लेफ्ट जाके ना वो मार्केट ही आती है उसकी पूरी, तो वहाँ से भी देखते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना तब मटन सही मिलता है, वो सुबह सुबह यहाँ पे, क्योंकि वो लेके आते हैं बकरे, इसलिए ना वो सुबह सुबह बिक भी जाते हैं। लेकिन खैर अभी टाइम जो क्योंकि ज़्यादा हुआ, बड़ा जुम्मा भी पड़ लिया है तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ, लेकिन बाद में, लेकिन अब ये शॉप में अंदर आ गए, आज आगे उधर है नहीं तो मिला ही नहीं, इसके पास पड़ा ही नहीं हुआ, इस शॉप से अब देखते हैं इधर मिलता है कि नहीं। इधर भी खत्म हुआ, बड़ा सुबह आता है। ये जो सारी है ना ये सब्जी की मार्केट आ जाती है इसी के अंदर ही, वो सभी मार्केट सब्जी की है, ये फ्रूट्स वगैरह की है, या वो छोटी सी गली ऐसे ऐसे चल के जाना पड़ता है। ये वो ही मार्केट है, लेफ्ट साइड पे सब्जी की मार्केट है, राइट साइड पे फिश की मार्केट है, ये फिश यहाँ से मिलती है कटी कटाई। जब हम पहले आए थे ना न्यू तो तब यहाँ पे ना जब हमने एक बार फिश ली थी तो फिश के यहाँ पे ना वो स्केल नहीं थे उतार के देते होते, लेकिन खैर इसी मार्केट में जितनी भी फिश मिलती है ना वहाँ पे स्केल उतार के छोटे छोटे पीस करके देते हैं। इधर भी है एक मार्केट ना, इधर भी मटन की मार्केट है, इधर आप देख लेते हैं। जितनी भी फिश जो है ना वो काट के मिलती नहीं थी, खुद काटनी पड़ती है, तो यहाँ से काट के मिल जाती है। ये बाजार का ये फायदा है ना, जो दूसरे बाजार है ना वहाँ से भी नहीं मिलती, खुद लेनी पड़ती है, वो स्केल उतार के, लेकिन काटनी है आपने खुद ही। क्या और तो सही के अंदर ही मार्केट है सारी, ये पूरे गोश्त की मार्केट है। हाँ वो कह रहा है उस पर चर्बी नहीं है, आप ये ले लो। अब वैसे उनकी इतनी मोटी दया चमी होती है, वो ऊपर चर्बी के ना चर्बी उतारते नहीं, बड़ी मुश्किल से इसके साथ रेट हुआ है, क्योंकि ये कह रहा था पहले के 500 किलो हमने गोश्त में, तो हमने कहा नहीं यार, हमने फिर से कर करा के 470 सोम का एक किलोग्राम जो है ना वो गोश्त के पर केजी के हिसाब से लिया, वो इससे हो रहा है, पहले इसको मार ही नहीं था मार नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ता है ये जो है ना ये जो चर्बी है ना ये उतरानी पड़ती है, तो चर्बी उतरवा के उससे किलोग्राम का वेट करवाया उतना का 480 का, वैसे मुश्किल ये यहाँ पे मिलता है इतना। खैर अगर खुद लें बकरा पूरा, क्योंकि मार्केट्स में जाके खुद बकरा लेके उसको खुद जीबा करवा के लें तो वो सस्ता ज़्यादा पड़ जाता है इससे, लेकिन क्योंकि इस बार हम हो गया हमारा खाना कम है तो इसलिए हमने ना वो थोड़ा सा लिया। मटन भी लो ना यहाँ से, तो फिर भी वो यहाँ पे भी लेके फिर घर जाके ना छोटे छोटे पीस करने पड़ते, लेकिन इनसे कहो कि छोटे छोटे करोगे तो वो करके दे देते होते हैं, अब हम इसे छोटे छोटे पैकेट बनवा लेंगे, लेकिन जब हम नए आए थे तब ये भी मसला था, बड़े बड़े वो पीस ले रहे थे घर जाके खुद ही कट करके छोटे छोटे करके फिर
उसके पैकेट बना के फ्रीजर में रखने पड़ते हैं। खैर ये अभी करके देगा खुद, इसको कहा छोटे छोटे कर देगा, अभी वो छोटे करके देगा। सत्तर साल की है और देखिए माशाल्लाह अल्लाह इनकी और लंबी उम्र करे, और अभी काम भी कर रही है। तो ये हमें 150 का एक पाया मिला, आज कह रहे थे कि ये पाया खाना है, नहीं ये बड़ा 150 का, ये वाले 100 के ये जो थे ना, ये वाले वो बड़ा है इसलिए उसका 150 का। तो आज कह रहे थे पाए बनाना, तो इसलिए पाया है। यस यस, फोर्थ कोर्स, यस यू मस्ट स्टडी, यस यस फाइव यस। हाँ How many do you buy? No, one. Only one, yes. You are many, what you buy, one? Yes. 150. हाँ हाँ, आज तक मैंने कोई भी इतना नहीं देखा कि इतनी इंग्लिश बोलता हो, लेकिन और उसको फुल इंग्लिश आती है, बड़ी मजे की। और ये इधर काम करती है, ये बेचती है गोश्त पाए जो है यहाँ पे। वैसे बकरे के पाए मिलते नहीं है, इसलिए बकरे का हमने पूछा उससे कि बकरे के पाए मिलते हैं, कहता है कि नहीं बीफ पाए वो मिलते हैं। हाँ हाँ, यू आर टीचर? यस यस, आई वाज अ टीचर, देन आई वाज यंग, आई created from the university English faculty. I like English and I created from the English faculty. Uh-huh. I was English teacher. In which? I worked 25 years as a teacher. Uh-huh. What I am learned. पासीबा, नाइस टू मीट यू। पाए भी ले लिए, गोश्त भी ले लिया, अब वहाँ से अनाज ले लिए, एक शौक है, फिर चलते हैं घर। अब आटा लेना है, चावल ले रहे, ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है, पहले सूरज निकला था, अब सूरज भी ना जो अब बादलों के पीछे चला जाएगा। एक दो घंटे सूरज निकलता है, उसके बाद पता नहीं लगता बादल कब आ जाते हैं। दाल वो यूज करनी है, ये लेनी है, उसके बाद चावल लेने हैं, बासमती आते हैं, इंडिया से आते हैं तकरीबन, या पाकिस्तान से आते हैं। यहाँ के जो चावल है वो बहुत मोटे मोटे, जैसे ये है, जैसे ये एक मोटा सा चावल है ना, ये बहुत ज्यादा मोटे है। यहाँ के लोग ये वैसे यही यूज करते हैं, मोटे मोटे से चावल, छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, और जो अपने बासमती तो बारीक होते हैं और बड़े होते हैं, वो लेते हैं। वो है बासमती, वो इंडिया के, ये वाले बासमती हैं ये। तो इस चावल में, उस चावल में बहुत फर्क था ना, तो हम क्योंकि पाकिस्तानी तो फिर यही खाने हैं ना। हमने साथ में ये घी ले लिया, चाय चैंपियन, 15 किलो आटा ले लिया साथ, ठंड होगी ना इसलिए ये भी ऊपर रख लिया। शायद सामान सारा ले लिया था, अब इधर से ना करेंसी एक्सचेंज करवा लें, तो अब ये जो है ना इसको चेंज करवा लें। वो बैंक बंद है, एक बैंक उधर उसको देख लेते हैं, वो खुला है कि बंद है, और ना कहीं ये खुला हुआ है, इधर से करवा लेते हैं। ये खैर अभी मैं वीडियो बैंड करता हूँ इधर ही, अंदर वो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ग्रोसरी कर लें, नाश्ता अब हमने कर लिया है, बहुत टेस्टी था, और अब हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं, और मुझे पता है तो नहीं शॉर्टकट कर देना और नहीं करता।